अब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का है ना, मतलब दो ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, टाइम एंड डिस्टेंस के दो ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। टेस्ट में अगर ये दो क्वेश्चनों में से आ जाता है तो कर दिया कर, अगर नहीं आता तो छोड़ दिया कर, जब तक टाइम एंड डिस्टेंस तेरा पूरा ना हो। वैसे इन दोनों क्वेश्चनों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना टेस्ट में, वो हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, है ना। ये दो दो क्वेश्चन नहीं है, दो कॉन्सेप्ट हैं बस। बात को अब देख, बात सीधी सी क्या है, बात इतनी सी है कि देख भाई, ये ट्रेन है, ये ट्रेन बना देता हूँ मैं, ये ट्रेन है ना, ये डिब्बे हैं इसके, और ये बड़ा सा इंजन है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये पटरी है, अब ये जा रही है, ठीक है। अब कोई दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये आगे जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक, ये यहाँ पे एक एक ये ट्रेन है, ठीक है। ये दूसरी ट्रेन है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, कोई मतलब पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा। वैसे जैसे ये ट्रेन यहाँ से, अब ये दोनों मिलेंगी, ये जैसे ही पार करेंगे ना भाई, मान के चलिए यहाँ से आके यहाँ पे इसका लास्ट डिब्बा ये आ जाता है, लास्ट डिब्बा ये आ गया इस ट्रेन का, ये आगे जा रही है, इसका लास्ट डिब्बा ये आगे गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, और इसका लास्ट डिब्बा यहाँ तक आ गया भाई। अब देख, ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, इसको भाई ये डिब्बा है ना, इसका लास्ट डिब्बा, ये इसके लास्ट डिब्बे को पार करेगा, जब ही तो पार करेंगे। मतलब इसकी पूरी लंबाई, मतलब ये यहाँ तक आ गई, ये इसकी ये पूरी लंबाई, ये ट्रेन है भाई, ये पूरी लंबाई होगी इस ट्रेन की, ये यहाँ से लेके ये पूरी लंबाई होगी यहाँ पे, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुड़ जाएगी ना भाई, ये पूरी ट्रेन होगी यहाँ तक की, ये पूरी ट्रेन होगी। अभी इस दोनों को पार करेंगे तो ये पार करेंगे कोई टाइम पर भाई, ये पूरी लंबाई होगी, ये पूरी लंबाई होगी, जब ही तो पार होगी ना ये दोनों की। तो ये याद रख, अगर जैसे विपरीत में जाएगी ना यूँ, अब इसमें रटने की कोई बात नहीं है, ये मतलब ये यूँ जा रही है, ये यूँ जा रही है, तो दोनों की ये जुड़ जाएंगी भाई। अब दो ट्रेन है, अब भाई इसकी लंबाई जुड़ जाएगी, ये इसका लास्ट डिब्बा और ये इसका लास्ट डिब्बा भाई, ये पूरी ट्रेन होगी इधर इसकी, है ना, ये इसकी पूरी ट्रेन होगी, जब ही तो ये दोनों को पार करेंगे, ये दोनों को पार करेंगे तो भाई ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जा रही है 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इतनी की तो नहीं जाती यार, 45 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से जा रही है, ये 55 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो इनकी जो ये है ना, ये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 45 से जा रही है, ये 55 से जा रही है, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये भी इतनी से जा रही है, ये दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान के चल ये यूँ जा रही है, ये ट्रेन, तूने कभी ट्रेन देखी है? नहीं देखी है। अच्छा देखिए, ये ट्रेन जा रही है इधर, अब कोई दूसरी ट्रेन है, ये जा रही है इधर, अब भाई कब पार करेगी भाई? पार तो ये इंजन को ही तो पार करेगी भाई, इस डिब्बे, ये जो लास्ट का डिब्बा है, ये थोड़ी ना पार होगा, यही तो पार होगा, ये चली जाएगी यूँ पूरी, मान के चले इसका लास्ट डिब्बा ये आ गया, है ना, ये इसका लास्ट डिब्बा ये आ गया, यही तो पार करेगा इसे। तो जब एक समान दिशा में चलेंगी ना, तो ये ट्रेन की बस एक ही लंबाई आएगी, है ना। और जैसे ये 45 किलोमीटर की रफ्तार से है, ये 55 की रफ्तार से है, तो ये दोनों घट जाएंगी, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, ठीक है। अब इसमें देख, अब क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस ये दो ही क्वेश्चन याद करने हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में क्या 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 कहता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 225 मीटर की समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं एक दूसरे को पार करने में। बस सबसे सरल सवाल है, 225 225 भाई, एक ट्रेन है ये वाली ट्रेन है, ये इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, ये 225 की है, ठीक है, ये भी 225 मीटर की है, ठीक है, ये भी मीटर की। अब ये इधर पार करेगी, ये इधर पार करेगी, तो इसका लास्ट डिब्बा और इसका लास्ट डिब्बा पार करेंगे ना, है ना, इसका लास्ट डिब्बा करेंगे, इसके लास्ट डिब्बा करेंगे, तो ये 225 सॉरी 225 प्लस 225 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 नहीं हो जाएगा, अगर 450 मीटर की, अभी समझो कि 450 मीटर की होगी ना एक ट्रेन, ये ट्रेन 450 मीटर की होगी। अब क्या कह रहा है कि एक जा रही है 48 किलोमीटर की रफ्तार से और एक जा रही है 60 किलोमीटर की रफ्तार से, भाई लंबाई जुड़ी है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा ये 800 किलोमीटर। अब देख, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक, है ना, अब मैं मेरी बताता हूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ या फिर मैं कैसे क्या करता हूँ। दो चीज़ें, एक 5/18 है, एक 18/5 है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तुम तो इनको ध्यान रखो डायरेक्टली, ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, अब या तो इसको सेम कर लो या फिर इसको सेम कर लो। अब हम हमेशा इसको ही सेम करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में बता लेंगे, ये मीटर में दे रखा है, तो जो 108 है ना, इसको हम हमेशा बड़े को जो छोटे में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18। अब इसको तुम याद कर लो, या फिर कोई यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जो या तो 5 से डिवाइड होगी या 18 से डिवाइड होगी, भाई या तो 5/18 से होगी या फिर, अब मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी कि भाई 5/18 से करूँ या फिर 18/5 से करूँ। अगर तुम जैसे पाँच जो जो 18 से डिवाइड होगी वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, अब जैसे 108 है ये 5 से डिवाइड होगी क्या, 5 × 2 मतलब दशमलव में आएगा संख्या, ये मतलब याद रखना हमेशा पॉइंटों में नहीं आएगी, इतना टफ देगा नहीं सवाल, है ना, तो पर याद रखो जैसे किलोमीटर की है तो जो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, और जो जिसको दूसरी संख्या होती है जैसे मीटर में दे रखी है ये वाली, तो उसको 18/5 से कर देते हैं। अब इसको करेंगे तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 8 × 5 = 48, 8 × 6 = 48, तो कितना का 6 बार ही कटेगा ना, ये 6 बार कटेगा, काट लो यार क्या दिक्कत आ रही है, 8 × 6 = 48, 4 × 6 = 4 108, ये 6 बार कटा, ये कितना आ गया, ये आ गया 30। भाई उसने कितना मिनट में पूछा है ना आंसर, सेकंडों में पूछा है, तो भाई 30 में आ गया, अब ये 30 में आ गई, ठीक है, अब 30 में आने के बाद अब टोटल कितनी होगी, 45 मीटर / 30, सबसे अच्छा आंसर कितना हो जाएगा, 15 × 45 15 सेकंड। अगर सेकंड में आंसर दिए जब ये इसमें बदलेंगे 5/18 में, और जब मिनट घंटे में, घंटे में देनी है तो इसमें बदलेंगे 18/5 उसमें, ठीक है। अब देख दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें बता, इसमें कहाँ इसमें गलती करने की, बस यही ये दो ही सवाल करना है। अब जैसे मान के चलो, मैं क्वेश्चन मतलब मैं क्वेश्चन है नहीं है पर मैं बता देता हूँ, अब ये तो ट्रेन होगी, अब बोल दे कि वो कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी 100 मीटर लंबा है वो, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है ये 100 मीटर लंबा है और 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन है, और तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बताओ कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब क्या है कि भाई ये तो देखा ना तूने, प्लेटफॉर्म देखा होगा, ये प्लेटफॉर्म है भाई, ये प्लेटफॉर्म है, दिमाग लगाना, ये प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन चाहे इधर से आ, चाहे ट्रेन इधर से आ, चाहे कैसी भी दिशा में आ जा, भाई ट्रेन का लास्ट डिब्बा ही, अब जैसे ये ट्रेन है यहाँ पे पहुँची, इसका लास्ट डिब्बा ही तो इसे क्रॉस करेगा, तो इसकी लंबाई 100 होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी, 250 मीटर होगी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब ये लास्ट डिब्बा क्रॉस करेगा ना इसका, ये लास्ट डिब्बा क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 350 मीटर की हो जाएगी ना भाई, भैया 350 मीटर की हो जाएगी ना भाई, ये 100 मीटर हो गया, ये 250 मीटर हो गया, ये पार करेगी इसको,
तो बोलता है ना एक प्लेटफॉर्म को पार कर दिए तो कितना घंटा समय लेगा, 300 मीटर हो गया, 300 मीटर में हम भाई सेकंडों में आंसर पूछ रहा है, तो ये 48 वो दे रखा है प्रति किलोमीटर घंटे रफ्तार से, इसे बदल लो भाई, इसे 5/18 से बदल लो, 18 × 18 18 × 36 18 × 54 नहीं बदलेगा यार 18 से, पर 5 × 5 = 5 नहीं, तो ये 18 नहीं होगा या फिर कुछ ये 54 होगा, मतलब वो तो 48 मैंने ले लिया ना, 54 देगा, 5/18 से बदल लो, 18 × 18 = 36 18 × 54 15 हो गया, 15 का भाग दे दो इसमें तो आ जाएगा तुम्हारा सेकंडों में आंसर, ऐसे करना है। एक एक कभी बोलेगा वो किसी स्टेशन पर कोई खंबा है उसको वो 40 सेकंड में पार कर लेती है, 40 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है 40 सेकंड में पार कर लेती है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, नहीं वो सॉरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो बताओ कि ट्रेन की लंबाई भी याद करो, अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, अब भैया ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई अभी एक खंबा है इधर से आ चाहे इधर से आ, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इसे उसमें ये 54 लगा लो, अब इसको सेकंड में इसे बदल लो, 5/18 18 × 18 = 36 18 × 54 15 को गुणा कर लो, 15 × 15 = 600 मीटर की होगी, आ रहा ना समझ में भाई, 48 को बदल लिए सेकंड में, अब इससे गुणा कर दिया है ना, अब देख अब क्वेश्चन में समझाता हूँ, देख दूसरा है ना वो वाला आ गया ना क्वेश्चन समझ में, कौन सा वाला 13वां क्वेश्चन समझ में आ गया ना 13वां, अब देख अब एक क्वेश्चन और आया अच्छा वाला क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन है 30 32, हाँ अब ये क्वेश्चन है देख 32वां क्वेश्चन है ना 32वां क्वेश्चन है ना ये 32वां क्वेश्चन है, ठीक है अब 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब देख थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है, इतना ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी है ना, एक 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 59 सेकंड का समय लगता है, अब भैया क्या बोल रहा है, 204 मीटर लंबा पुल है, ये पुल है भाई, ये पुल है, नीचे रिवर बह रही है भाई, नीचे रिवर बह रही है, अब ये पुल है भाई, ठीक है अब क्या है कि अब ये पुल है, ठीक है अब इसको पार करने में एक ट्रेन को 59 सेकंड का लग रहा है, अब भाई ये वही वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये इसकी तो कितनी लंबाई होगी 204 होगी, अब बोल रहा है कि 59 सेकंड का समय लगता है, ठीक है भाई लगता होगा, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, अगर इस ट्रेन को साइन बोर्ड को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, अब भाई ये 204 मीटर लंबा ये पुल हो गया प्लस, अब हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो हम इसको एक्स मान लेते हैं भाई, ये एक्स होगी है ना, अब ये क्या कह रहा है इसको पार करने में 59 सेकंड का क्या लगता है 59 सेकंड लगती हैं, ठीक है 59 सेकंड लगती हैं, मीटर में भी दे रखा है सेकंड में दे रखा है, भैया ये 59 सेकंड लगती हैं इसको, ठीक है ले भाई 59 सेकंड भाई कर लेगा जब भी, तो किलोमीटर इसकी वो आएगी कि कितने उसमें, ठीक है अब क्या कह रहा है ये, अब कोई साइन बोर्ड है, कोई बोर्ड लग रहा है, ये वाला बोर्ड लग रहा है कि भाई आगे पुल है, ठीक है ये पुल है आगे, ये बोर्ड लग रहा है, इसको पार करने में 25 सेकंड लगती हैं, इसको पार करने में ये ट्रेन है, इसको पार करने में क्या 25 सेकंड लगती हैं, तो अब भाई 25 सेकंड लगती हैं तो भाई ये ट्रेन होगी, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है भाई, पता नहीं है अब तो ये कितने में, ये 25 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है ये हो गया, अब इनको तुम सॉल्व कर लो बस, और कुछ करना थोड़ी है, 150 आंसर है इसका, अब 150 कैसे आंसर है इसका देखो जी, कैसे करना है जी, हमें सॉल्व कैसे करेंगे जी हम, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व चाहिए तो मीटर में ही है, इसे छोड़ो x × 25 इधर, ये हो जाएगा 59x, ठीक है अब ये क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 25x
प्लस ये से करेंगे तो कितना, 25 चौका 100, 80 लगी 10, 10 की 0 80 लगी 1, 25 एक 25 50 5100 बराबर 59 एक्स, एक्स को इधर लिया, 25x-59x बराबर यहाँ पे -5100, यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 34x, या -5100, माइनस से माइनस काट दे, ठीक है, तो एक्स बटे 5100 बटे 34 काट दो, कितना आ जाएगा 150 आंसर। अब इसमें बताओ कहाँ दिक्कत आई, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट लगे भाई, ये हो गया पुल की लंबाई, ये हो गया ट्रेन की लंबाई, इन दोनों को पार करने में कितना 59 सेकंड का समय लगता है, तो भाई 59 सेकंड का लगता है तो इसकी किलोमीटर में, इसकी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये एक्स का वो लगता है, एक्स मीटर लंबी है, अब एक्स मीटर लंबी लंबा 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी यहाँ पे भी किलोमीटर रफ्तार से आ जाएगी, बस फिर दोनों को कर लो सॉल्व। अब भाई जैसे ये क्वेश्चन था हमें, अब मैं देखो कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करवा रहा सिखा रहा हूँ भाई, 25 मीटर लंबी है कोई ट्रेन, ये भी 25, ये दोनों जुड़ गए रफ्तार, दोनों ये जोड़ दिए 5/18 ये किलोमीटर प्रति रफ्तार, अब सेकंड में पूछा ये 30 सेकंड आ गया, ठीक है, तो इसका भाग दे दिया भाई, ये है चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में। अब टाइम एंड डिस्टेंस में अब दो क्वेश्चन मैंने, ये दो क्वेश्चन बता दिए तेरे को, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब क्या होता है, अब देख, अब इसमें इसमें क्वेश्चन में आया कौन सा क्वेश्चन, अब ये रह गया कि वो उस इतनी लंब वो उसको इतना वो दे देती है, छूट दे देता है और वो दौड़ में आगे निकल जाता है, क्या कहाँ गया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया रे, क्वेश्चन कहाँ गया, अरे भैया क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, उसको छोड़ो। अब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो ठीक है कर दिया करो, ये नॉर्मल इजी से इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई भी हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है ना, इनको यार इनको कैसे, और मैं अभी एक दो क्वेश्चन और टॉपिक है औसत औसत वाला है उसको करवा दूंगा, बस और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं कहीं से भी टाइम एंड वर्क में ये गिने चुने सवाल हैं, अब ध्यान रखना आगे से यार, इतना नहीं हो, गलत होने चाहिए ना, 5 तो वो हो गए, 2 ये हो गए, 7 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, अब 7 हो जाते, 7 में से 3 तो एडवांस के हैं, तो बचे कितने, 4 क्वेश्चन बचे थे, 4 तो 2 तो हार्ड ही क्वेश्चन है, वो सब का शुगर वाला, वो दूसरा वाला उसे बता दूंगा मैं कैसे करना है, ठीक है,